दिल्ली के अंदर एक सीमा नाम की लड़की रहा करती है जो देखने में बड़ी खूबसूरत है और पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है। उसके घर में उसका एक भाई है और माता पिता हैं। ये छोटा सा परिवार है। वो पीछे से तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली में रहकर सीमा के पिता सब्जियों का काम किया करते हैं एक सब्जी मंडी में। अब तभी सीमा के घर पर एक शादी का इन्विटेशन आता है और उन्हें उत्तर प्रदेश के आगरा जाना था एक शादी को अटेंड करने के लिए। उसके बाद पूरा परिवार तैयार होकर उस शादी को अटेंड करने के लिए चला जाता है। वो लोग वहां पर पहुंचते हैं और वहां जाकर शादी को अच्छी तरह से अटेंड करते हैं। शादी में चारों तरफ भीड़ थी, सभी लोग आए हुए थे और सभी लोग एक दूसरे से अच्छी तरह से बातें कर रहे थे। उसी भीड़ के अंदर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है विनोद। विनोद जैसे सीमा को देखता है तो देखते ही पहली ही नज़र में उसे पसंद करने लगता है और सीमा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सीमा उसे कोई भाव नहीं देती है और इसी तरह से शादी का पूरा टाइम निकल जाता है। अब शादी हो गई थी, शादी होने के बाद सीमा अपने घर वापस आ गई थी और अपनी पढ़ाई लिखाई को दोबारा से लग गई थी। जिस शादी में सीमा गई थी वो उसकी बुआ की लड़की की शादी थी और उसी शादी में विनोद आया था। अब विनोद और सीमा दोनों का कुछ ऐसा रिश्ता था कि अगर वो लोग चाहें तो एक दूसरे से शादी कर सकते थे। वहाँ पे उन दोनों का जो रिलेशन था वो कुछ इस तरह का था कि शादी में कोई भी अड़चन नहीं आने वाली थी। इधर जो विनोद है उसने जब से सीमा को देखा है उसके दिमाग में बस सीमा ही घूम रही है और वह सीमा से किसी भी तरह से बात करना चाहता है। उसके बाद वह उस घर में जिस घर की शादी थी वहाँ पर उन लोगों से बात करता और कहता है कि एक लड़की है और इस लड़की से मैं प्यार कर बैठा हूँ और मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद वो लोग पता लगाते हैं कि कौन सी लड़की की कह रहा है, तो एल्बम के थ्रू पता चलता है कि ये सीमा की कह रहा है। जैसे उन्हें पता चलता है कि ये तो सीमा है और उससे विनोद की शादी भी हो सकती है, तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें शादी करनी है तो शादी की बात चला देते हैं। उसके बाद वो लड़का विनोद भी राजी हो जाता है, कहता है कि हाँ मुझे शादी करनी है। दोस्तों जो विनोद है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छा खासा उसका पैकेज है और अच्छी सैलरी पर वो काम किया करता है। पुणे के अंदर उसकी जॉब है और लड़का अच्छा खासा कमाता था, तो वह शादी के लिए हामी भर लेता है और उन लोगों से कहता है कि आगे बात चलाइए, मैं फिर उस लड़की से मिलने जाऊंगा। उसके बाद सीमा की बुआ सीमा के लिए रिश्ता लेकर आती है और सीमा के पिता को पूरी बात के बारे में बताती है। वह बताती है कि इस तरह से जैसे ये शादी में गई थी तो वहाँ पर एक लड़का पहली ही नज़र में इसे पसंद कर बैठा और इससे शादी करना चाहता है। अब जो सीमा के पिता है वो कह देते हैं कि ठीक है शादी तो मैं कर दूंगा, लेकिन हमारे पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो भी पैसा हम कमाते हैं वो सभी हमने बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया था ताकि ये लोग आगे बढ़ सके और अपने आप को समाज में साबित कर सके। इस बात को जैसे ही सीमा की बुआ सुनती है तो वह वापस जाकर विनोद से ये सारी बात बताती है। विनोद जो कि सीमा को देखकर पहली नज़र में पसंद कर चुका था वो साफ मना कर देता है, कहता है कि दहेज की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे बस सीमा से शादी करनी है। अब इसके बाद लड़का लड़की को मिलाया जाता है, दोनों परिवार वाले एकत्रित होते हैं और लड़का लड़की को बात करने के लिए एक कमरे में छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर जो विनोद है वो सीमा को देखता है और देखने के बाद उसकी तारीफें करने लगता है। सीमा भी विनोद से साफ कह देती है कि हमारे पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है, कहीं बाद में तुम ये बोलो कि हमें दहेज चाहिए, हम दहेज नहीं दे सकते। बातें तय हो जाती हैं, शादी के लिए दोनों परिवार वाले एग्री हो गए थे क्योंकि सीमा पढ़ी लिखी थी और जैसे विनोद को पता चलता है कि सीमा पढ़ी लिखी भी है तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, दहेज नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, पढ़ने लिखने के बाद इसकी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी और वही काफ़ी है। इसी तरह से बातें तय हो गई थी और शादी की डेट रख दी जाती है। शादी की डेट 6 महीने बाद की थी। अब शादी की बात जैसे सीमा के मामा को पता चलती है तो वो उनके पास आता है और आने के बाद वो कहता है कि बेटी की शादी में गाड़ी देनी है और उसके लिए पैसे मैं दे रहा हूं। ऐसा करके वह सीमा के पिता को 10 लाख रुपए दे देता है और कहता है कि बेटी की शादी में गाड़ी दे देना और उसी समय पे निकालना। अभी शादी को 6 महीने थे तो सीमा का पिता उन पैसों को रख लेता है और सोचता है कि जब शादी होगी उस टाइम पे गाड़ी निकालकर सीमा को दे देंगे। धीरे धीरे समय बीतता है और यह बात जो सीमा के मामा ने गाड़ी देने के लिए पैसे दिए थे यह बात विनोद तक भी पहुंच जाती है क्योंकि बीच में उनकी बुआ थी तो वह भी बता देती है कि मेरा भाई दहेज में गाड़ी देगा और अच्छे से तुम्हारी शादी होगी। अब इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन अचानक से सीमा के भाई का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद उसकी बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है और जैसे उसकी सीरियस कंडीशन होती है तो सीमा का पिता जो होता है उन गाड़ी के पैसों को खर्च करके अपने बेटे का इलाज करवाने लगता है। धीरे धीरे इलाज चलता है, लगभग 1 महीने तक उसका इलाज चलता है और 1 महीने में उन पैसों को लगने के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। इसी दौरान विनोद भी सीमा के भाई को देखने के लिए आया था और वहाँ पर आने के बाद सीमा ने साफ साफ विनोद से कह दिया था कि जो गाड़ी हम तुम्हें देने वाले थे वो गाड़ी
गाड़ी अब नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट होने के कारण वो सारे पैसे उसी में खर्च हो गए हैं। अब इसके बाद विनोद पहले तो मना कर देता है कि कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे तुमसे ही शादी करनी है। ऐसा कहकर वो वापस घर चला जाता है। लेकिन जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है, बतियाता है, उसी दौरान विनोद के चाचा ताऊ कहते हैं कि एक और लड़की है, वो अच्छे से नौकरी करती है और वो लोग गाड़ी भी देने के लिए बोल रहे हैं और अच्छी खासी नौकरी है, उसके पैसे भी तुम्हारे ही पास आएंगे। कई ऐसे रिश्ते उनको वो बताता है और इन रिश्तों की बात सुनकर विनोद के मन में लालच जाग जाता है और इसी लालच के चलते विनोद एक दिन सीमा के पिता के पास आता है और वहां आकर उन सभी बातों को बताने लगता है। अब जैसे वो इन बातों को बता रहा था तो सीमा का पापा भी समझ जाता है कि ये कहीं ना कहीं कार के लिए बोल रहा है, तो उसके बाद वो भी कह देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हें कार दे देंगे, उसके लिए मैंने किसी से बात कर रखी है और वो हमें पैसे दे देंगे और उन्हीं पैसों से हम तुम्हारे लिए कार निकाल देंगे। अब इस बात को सुनकर जो विनोद है वापस अपने घर चला जाता है और इस बात के बारे में बिल्कुल भी सीमा से बात नहीं करता है। धीरे धीरे समय होता है, शादी का दिन नज़दीक आ जाता है और शादी के दिन बारात लेकर विनोद सीमा के घर पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही बारात आई थी तो बारात आने के बाद विनोद तो सजा बैठा था कि उसे कार मिलेगी, लेकिन वहाँ पर आने के बाद उसके बारात में से एक व्यक्ति उसे बताता है कि यहाँ पर तो कोई भी कार खड़ी नहीं हुई है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जिसको कार देनी होती है तो उस कार को डेकोरेट करके वहीं पर खड़ा दिया जाता है ताकि सभी बराती उस कार को देख सके, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी कार नहीं दिखाई देती है। एक नई मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी और उस मोटरसाइकिल को डेकोरेट किया हुआ था। जैसे विनोद इस मोटरसाइकिल वाली बात को सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे घमंड आ जाता है कि मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, अच्छा खासा कमाता हूं और किसके लिए कमाऊंगा, मैं इनकी बेटी के लिए ही तो कमाऊंगा, अब ये मुझे एक कार भी नहीं दे सकते। इसी बात को लेकर वह सीमा के पिता को बुलाता है और वहां पर उसे बेइज्जत करने लगता है, कहता है कि तुझे शर्म नहीं आई, तुम तरह से शादी कर रहे हो और ये बाइक भी कोई देने लायक है, तुम हमें इस बाइक को दे रहे हो। अब सीमा का पिता विनोद से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, मुझसे गलती हो गई, जिससे मैंने पैसे उधार लेने थे उसने मुझे पैसे उधार नहीं दिए हैं, अब तू ऐसा कर फिलहाल इस बाइक से काम चला ले और आगे जब भी हमारे पास पैसे होंगे हम तुम्हें एक कार दिला देंगे। लेकिन विनोद का पिता और उसका भाई बदतमीजी पे उतर आते हैं और सीमा के पिता को सभी लोगों के सामने जलील करने लगते हैं। अब इधर जो सीमा का भाई था वो एकदम से सीमा के पास जाता है और उसे पूरी बात के बारे में बताता है। अब जो सीमा है वो सजी हुई उस कमरे से निकलती है और एकदम से आकर विनोद के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि क्या कहा, मैंने तुमसे साफ मना किया था ना कि हम लोग तुम्हें गाड़ी नहीं दे सकते। उसके बाद विनोद कहता है कि तुम्हारे पिता से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं कैसे भी कर्ज पर लेकर तुम्हें कार दे दूंगा, लेकिन आज ये मुझे एक मोटरसाइकिल दिखा रहे हैं, मैं क्या करूंगा इसका, मैं अच्छा खासा कमाता हूं, मेरे लिए लाखों रिश्ते थे लेकिन फिर भी मैंने तुमसे शादी करने के लिए बोला। अब इस बात को जैसे सीमा सुनती है तो वो भी गर्म हो जाती है और एक जोरदार चांटा विनोद को जड़ देती है। अब जैसे विनोद को चांटा लगता है तो चारों तरफ सन्नाटा सा छा जाता है और सभी लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर ये हुआ तो क्या हुआ। और तभी सीमा कहती है कि तुम जैसे लालचियों से मुझे शादी करनी ही नहीं है, जल्द से जल्द अपनी बारात वापस ले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अब जैसे ही माहौल बिगड़ता हुआ विनोद का पिता देखता है तो वो सीमा के पिता के पास आता है और उसे माफ़ी मांगता है, कहता है कि चौधरी साहब कोई बात नहीं, जो भी गलती हो गई उनके लिए क्षमा मांगते हैं और अब इस शादी को निपटाओ, अगर बिना दुल्हन के बारात वापस चली गई तो पूरे गांव में थूतू हो जाएगी। लेकिन सीमा शादी से साफ मना कर देती है और उनसे भी कह देती है कि अंकल जी आप अपनी बारात को वापस ले जाओ, तुम जैसे दहेज के लोभियों से मुझे शादी करनी ही नहीं है। ऐसा कहकर वो बारात को वापस लौटाने लगती है, लेकिन सीमा का पिता और सीमा का भाई उससे रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं तू शादी कर ले, अगर ऐसे ही बारात वापस लौट गई तो हमारी भी चारों तरफ बदनामी हो जाएगी। सीमा अपने घर वालों से कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके बाद अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करूंगी और पढ़ लिख करके एक अच्छे मुकाम को हासिल करूंगी और उस टाइम पे तुम बेशक से मेरी शादी कर देना, लेकिन आज इस मंडप पे मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि ये लोग दहेज के लोभी हैं और इससे आगे मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा ये मुझे ही पता है। ऐसा कहकर सीमा बारात को वापस लौटा देती है। जो विनोद है वो बारात को लेकर वायुसी से वापस लौट जाता है। इधर जो सीमा की शादी का पूरा सामान था वो उनके पड़ोस के ही एक लड़की की शादी थी, वो जो कि तो उस सामान को ले लेते हैं और उन पैसों से सीमा अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाती है, धीरे धीरे अच्छी तरह से पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद वो एक कंपनी में जीएम बन जाती है। उस बात को लगभग 3 साल हो चुके थे, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर जनरल मैनेजर है और उस सॉफ्टवेयर कंपनी को कुछ वर्कर चाहिए थे तो इसी वजह से वह चारों तरफ इश्तिहार निकलवा देते हैं, यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत है। अब यह इश्तिहार
धीरे धीरे विनोद तक भी पहुंच जाता है और विनोद जैसे इस तैयार को देखता है और सैलरी को देखता है तो एकदम से वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देता है। अपना रिज्यूम लेकर वो कंपनी में पहुंच चुका था। वहां पर जो इंटरव्यू ले रही थी वो थी सीमा। इंटरव्यू चल रहा था और जैसे सीमा के पास विनोद का रिज्यूम आता है, रिज्यूम के अंदर जैसे ही वो नाम और एड्रेस देखती है तो सीमा को समझने में तनिक भी देर नहीं लगती कि यह वही विनोद है जिससे मैंने शादी से मना कर दिया था। अब इसके बाद विनोद का नंबर आता है, विनोद का इंटरव्यू लिया जाता है। जैसे इंटरव्यू देने के लिए आता है तो वह देखता है कि सामने जीएम की कुर्सी पर वही बैठी हुई है जिसने उससे शादी से मना कर दिया था। अब जैसे वो सीमा को देखता है तो एकदम भावुक सा हो जाता है और कहने लगता है कि सीमा तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसके बाद सीमा कहती है कि पहले इंटरव्यू दे लें उसके बाद बातें करेंगे। उसके बाद विनोद का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू होने के बाद जो सीमा और विनोद दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। पूछती है सीमा कि तुम इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए क्यों आए हो। विनोद कहता है कि अच्छा पैकेज था, मेरे दोस्तों ने बताया कि इस कंपनी में इंटरव्यू दे ले, अच्छा खासा पैकेज है और तेरी जॉब लग जाएगी। विनोद सीमा से पूछता है कि कैसी हो, ठीक ठाक तो होना, यहाँ पर अच्छे से काम चल रहा है। तो वह बताती है कि हाँ अच्छे से काम चल रहा है, मैं इस कंपनी की जीएम हूँ और अच्छी खासी सैलरी मुझे मिल जाती है। अब जैसे विनोद को पता चलता है कि ये कंपनी की जीएम है और इसकी अच्छी खासी सैलरी है तो विनोद के दिमाग में कुछ चलने लगता है। वो कहता है कि सीमा क्या तुमने शादी कर ली। तो सीमा बताती है कि नहीं मैंने अभी तक शादी नहीं की। इधर जो सीमा है वो विनोद से पूछती है क्या तुमने शादी कर ली। तो विनोद कहता है कि हाँ शादी तो कर ली है लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहा करता। अब इस बात को सुनते ही सीमा को समझने में तनिक भी देर नहीं लगती कि ये लोग दहेज के लालची थे और इसी वजह से जो दूसरी शादी हुई है उस पत्नी से भी इसकी अच्छी बनती नहीं है। अब सीमा कहती है कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे ही लोग हो और इसी वजह से तुम्हारी बनती नहीं है। लेकिन तभी विनोद सीमा से रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है कि सीमा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और तुम दोबारा से मुझसे शादी कर लो। अब जैसे ही सीमा इस बात को सुनती है तो विनोद से मना करती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तुम लोग दहेज के लोभी हो, अगर उस टाइम पर तुम कार की डिमांड नहीं करते तो हम दोनों की शादी आराम से हो जाती। ऐसा कहकर वो उससे मना कर देती है और उससे कहती है कि अब तुम जाओ, कल इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा और उसको देख लेना। उसके बाद दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन इंटरव्यू का रिजल्ट आना था और रिजल्ट के अंदर विनोद का नंबर पड़ जाता है। अब जैसे विनोद अपने नंबर को देखता है उस लिस्ट के अंदर तो वो सोचता है कि सीमा ने मुझसे खुन्नस नहीं निकाली है और वो मन ही मन आज भी मुझे प्यार करती है। इसी चीज को लेकर वह बार बार सीमा के पीछे लगा रहा करता, उसी कंपनी के अंदर उसकी जॉब लग गई थी और बार बार सीमा को परेशान किया करता, कहा करता कि सीमा कोई बात नहीं, हम दोनों दोबारा से शादी करेंगे और मैं उस लड़की को तलाक दे दूंगा जिससे मैंने शादी की थी। सीमा उससे कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम उसको तलाक क्यों दोगे और तुम अच्छी तरह से अपने घर को बसाओ और मुझसे उम्मीद बिल्कुल छोड़ दो। इस कंपनी के अंदर मैं तुम्हारी बॉस हूं और तुम मेरे एक एम्प्लॉय हो, इससे ज्यादा हमारा कोई रिलेशन नहीं है। अब सीमा भी इस बात से बार बार परेशान हो गई थी। इधर विनोद जो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था वो बार बार सीमा को परेशान किया करता और उससे कहा करता कि तुम मुझसे शादी कर लो। इसके बाद सीमा विनोद को कंपनी से निकाल देती है और कहती है कि तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है और तुम्हें इस कंपनी में हम लोग नहीं रख सकते। उसके बाद जो विनोद है वो उसके घर भी जाता है और उसके पिता से बात करता है, कहता है कि अंकल जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अपनी बेटी से कहिए कि मुझसे दोबारा शादी कर लेगी। क्योंकि जैसे ही ये बात विनोद के घर वालों को पता चली थी कि लड़की बहुत अच्छा सैलरी कमाती है तो उसके बाद उन्होंने विनोद से कहा था कि अच्छा होता उसी से शादी कर लेते। विनोद अपनी वर्तमान की पत्नी को तलाक देकर दोबारा से सीमा से शादी करना आता था लेकिन सीमा उसे साफ मना कर देती है। इधर जो सीमा का पिता था वो भी विनोद से साफ मना कर देता है, कहता है कि हमारी बेटी तुम जैसे दहेज के लोभियों से शादी नहीं कर सकती, अच्छा इसी में है कि तुम लोग यहां से वापस लौट जाओ। उसके बाद जब सीमा अपने घर आती है तो वह अपने पिता को पूरी घटना के बारे में बताती है। इधर उसका पिता भी उसे बताता है कि वो भी घर आया था और कह रहा था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मेरी जो पत्नी है मैं उसे तलाक दे दूंगा और दोबारा से सीमा मुझसे शादी कर ले। लेकिन बेटी मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि तुम जैसे दहेज के लोभियों से सीमा शादी नहीं करेगी। उसके बाद दोस्तों सीमा इसी तरह से काम करती रहती है और एक बराबर की कंपनी का बहुत ही अच्छा लड़का जिसका नाम सुमित था, सुमित सीमा को पसंद किया करता है और एक दिन उससे प्रपोज कर देता है। जैसे सीमा से उसने प्रपोज किया था तो सीमा भी हामी भर लेती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करके एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। उन लोगों ने ना तो ज्यादा तामझाम किया था, केवल मंदिर में जाकर शादी कर ली थी और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहा करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी सीमा की, जिसको एक लड़के ने पसंद किया लेकिन उसके बाद उससे उसकी शादी नहीं हो पाई। आप क्या कहना चाहते हो सीमा के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो विनोद के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो।
बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानियाँ आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।